ready चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में हम बात करने वाले थीम ऑफ ऑक्सीडेशन के बारे में ये लेक्चर हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले है मेंस के लिए, के लिए और नीट के लिए ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे बात करेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में देखो अगर मैं आपसे पूछू ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है तो आपका जवाब क्या होगा आप बोलोगे बहुत ही सिंपल सी बात है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इसका आपके पास मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर इसका आपके पास मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आप इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के कह सकते हो इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना ठीक है यह हमारे पास ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जो रिएजेंट आपके पास सबस्टेट का या फिर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कराता है उसे कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हो एक को आप कह सकते हो स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक को आप कह सकते हो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं बात करूंगा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नाम पता होने चाहिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम पर मैंगनेट या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल पोटाशियम डाइक्रोमेट या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल सी आर ओ थ्री इन एच टू एस ओ फोर जिसे कुछ लोग एच टू सी आर ओ फोर के नाम से भी जानेंगे इसे हम कहेंगे जोन्स रिएजेंट ठीक है जगह की कमी यहाँ पे लिख लेना इसे हम क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे जोन्स रिएजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम पे हमें पता होना चाहिए सबसे पहला देखो कौन सा पता होना चाहिए हमारे पास ये आ जाएगा सी आर ओ थ्री इन पिरीडीन ठीक है इसे कहेंगे हम कॉलिन्स रिएजेंट इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास PDC भी होता है और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास PCC भी होता है ये हमारे पास कुछ कॉमन नाम है जो आपको पता होने चाहिए ठीक है अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है सबसे कॉमन थीम हमारे पास होता है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर हमारे पास होता है प्राइमरी अल्कोहल, मतलब कि वन डिग्री अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल के केस में क्या होता है मानो यहाँ पे आपके पास एक प्राइमरी अल्कोहल है अगर आप इसके ऊपर कोई भी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा एल में उसके बाद ये हाथों हाथ कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में मतलब जो आपको एंड प्रोडक्ट मिलेगा ना वो आपको एसिड मिलेगा वो आपको एल नहीं मिलेगा इस बात का आपको ध्यान रखना है तो स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर देता है लेकिन अगर यही रिएक्शन आप करवाओ कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से अगर आप यही रिएक्शन को परफॉर्म करवाओ कोई भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से वो यहाँ पे एल डी हाइट पर आ रुक जाएगा तो अगर हमें अल्कोहल से एल डी हाइट चाहिए होगा ठीक है अगर हमारे पास वन डिग्री अल्कोहल हो हमें उससे एल डी हाइट चाहिए तो हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे वो एल डी हाइट पर आ रुक जाएगा लेकिन अगर हमें अल्कोहल से एसिड चाहिए तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करेंगे ठीक है देखो अगर यहाँ पे हम बात करेंगे टर्शरी अल्कोहल के बारे में तो टर्शरी अल्कोहल से मेरा मतलब क्या है टर्शरी अल्कोहल से मेरा मतलब है थ्री डिग्री अल्कोहल ठीक है अब देखो यहाँ पे क्या है अगर हमारे पास यहाँ पे थ्री डिग्री अल्कोहल है तो फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या फिर आप यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो ऑर्डनरी कंडीशन पे आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिलता ठीक है और अगर आगे मैं बात करता हूँ सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में ठीक है तो सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में हमारे पास क्या केस है इसका मतलब हो जाएगा टू डिग्री अल्कोहल देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा ना अगर हमारे पास टू डिग्री अल्कोहल है मतलब कि कुछ ऐसा तो फर्क नहीं पड़ता आप यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालो ये हमारे पास डायरेक्टली कीटोन में कन्वर्ट होता है ठीक है ये बात का आपको ध्यान रखना है एक चीज देखो मैंने आपको लास्ट पेज में बताया नहीं पीसीसी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पेरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पीडीसी का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है पेरीडीनियम डाइक्रोमेट ठीक है ये दोनों आपके पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैटेगरी में आते हैं दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों वन डिग्री एल्कोहल का एल बनाएंगे और टू डिग्री एल्कोहल का कीटोन बनाएंगे ठीक है तो खाली आपको ध्यान क्या रखना है मैं आपको बताऊं शॉर्टकट मोड पे आपको याद क्या रखना है देखो शॉर्टकट मोड पे आपको याद केवल इतना रखना है ना सुनो बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को अगर आपके पास यहाँ पे वन डिग्री अल्कोहल है इसे मैं लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में वन डिग्री ऑल तो आप यहाँ पे अगर डालोगे के एम एन ओ फोर या फिर आप यहाँ पे डालोगे के टू सी आर टू ओ सेवन या फिर आप यहाँ पे डालोगे एच टू सी आर ओ फोर लास्ट वाले को बोलेंगे जोन्स रिएजेंट कुछ भी डालो हमारे पास प्रोडक्ट में एसिड मिलेगा लेकिन अगर इसी के ऊपर आप यहाँ पे डाल दोगे क्या आप यहाँ पे डाल दोगे पी सी सी या फिर पी डी सी या फिर सी आर ओ थ्री इन पेडीन लास्ट वाले को बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट तो यहाँ पे आपको एल डी हाइड मिलेगा ठीक है अगर आपके पास टू डिग्री एल्कोहल हो तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल दो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता वो के एम एन ओ फोर है फर्क नहीं पड़ता वो के टू सी आर टू ओ सेवन है फ़र्क नहीं पड़ता वो एच टू सी आर ओ फोर है फ़र्क नहीं पड़ता वो पी सी सी है फ़र्क नहीं पड़ता वो पी डी सी है फर्क नहीं पड़ता वो सी आर ओ है कुछ भी डाल दो आपके पास यहाँ पे कीटोन आएगा इतना सा बात आपको ध्यान रखना है ठीक है बहुत इम्पॉर्टेंट है ये तो ये कॉमन बात आपको समझ आ गई इसमें आपको दिक्कत नहीं आ रहा होगा एच टू एस ओ फोर का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सी आर ओ थ्री इन एच टू एस ओ फोर तो ये काफी इंटरेस्टिंग होता है यार जब आप सी आर ओ थ्री को एच टू एस ओ फोर के प्रेजेंस में लेते हो इसका नाम होता है जोन्स रिएजेंट तब ये काम करता है स्ट्रोंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का लेकिन अगर आप सी आर ओ थ्री को पेरेडीन के प्रेजेंस में लेते हो तब ये काम करता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इसका नाम होता है कॉलिज रिएजेंट ठीक है आप यहां पे लिख लो जोन्स रिएजेंट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सीआरओ थ्री इन एच टू एसओल रिएजेंट का मतलब क्या होता है सीआरओ थ्री इन पेरिडिन समझ गए बात को आप अच्छे से अब एक चीज़ देखो कभी कभार ना हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग थीम आता है इसको बोलते हैं थीम ऑफ अलाइलिक और बेंजाइलिक ऑक्सीडेशन कभी भी आपको अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजिशन को ऑक्सीडाइज करना होता है कभी भी आपको अलाइलिक या फिर बेंजाइलिक पोजिशन को ऑक्सीडाइज करना होता है तब यहाँ पे इस्तेमाल करना होता है MnO2 का ठीक है तब यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होता है एम एन ओ टू का अब देखो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन आखिरकार कैसे होगा बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहली बात आपको पता है ना अलाइलिक पोजिशन क्या होता है देखो कॉन्सेप्ट क्या है ना जो कार्बन आपका डबल बॉन्ड बनाने में यूज होता है उसको बोलते हैं विनाइलिक कार्बन जो कार्बन आपका विनाइलिक कार्बन से डायरेक्टली अटैच होता है उसको बोलते हैं अलाइलिक कार्बन तो अगर हमारे पास कोई अलाइलिक अल्कोहल है अब वो अलाइलिक अल्कोहल हमारे पास वन डिग्री भी हो सकता है हमारे पास टू डिग्री भी हो सकता है ना जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखो ये जो हमारे पास अलाइलिक अल्कोहल है ये हमारे पास वन डिग्री अल्कोहल है अगर आप इसके ऊपर डालोगे एम एन ओ टू तो ये क्या करेगा ना ये आपके अलाइलिक वन डिग्री अल्कोहल को कन्वर्ट कर देगा एल डी हाइट में ठीक है और अगर यहां पे आपके पास अलाइलिक टू डिग्री एल्कोहल होता तो ये कन्वर्ट कर देता कीटोन में इस केस में इसे कन्वर्ट कर देता कीटोन में एकदम सेम काम आपका बेंजाइलिक अल्कोहल के साथ भी हो सकता था देखो होता है क्या है ना जो कार्बन आपका बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो उसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन अब आपका बेंजाइलिक अल्कोहल भी वन डिग्री भी हो सकता है या फिर आपका बेंजाइलिक कार्बन टू डिग्री भी हो सकता है ठीक है अगर आप फर्स्ट वाले केस में डालोगे एम एन ओ टू ये हमें बंजल्डी हाइट देगा अगर आप सेकेंड वाले केस में एम एन ओ टू डालोगे तो हमारे पास ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा और जहाँ तक मुझे याद है इसका नाम शायद एसिटोफिन होता है ना ठीक है यह बात आपको पता होनी चाहिए आगे देखो हम ना कुछ रिएजेंट स्पेसिफिक बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात करना देखो सबसे पहला हमें केएमनोफोर के बारे में बात करना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि आपको मेजॉरिटी क्वेश्चन में दिखता है ठीक है देखो केएमोफोर का मतलब होता है पोटेशियम पर मैगनेट ठीक है Potassium पर मैंगनेट ये आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है ठीक है इसका ना मैं आपको सारा काम देता हूं जो आपको दिखता है जनरली चेमींस वगैरह में ठीक है सुनो देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर आपके पास यहाँ पे वन डिग्री अल्कोहल है अगर आपने यहाँ पे के एम एन ओ फोर डाला सबसे पहले यहाँ पे बनेगा एल डी हाइट उसके बाद क्योंकि आपका एल डी हाइट थोड़ा रिएक्टिव भी होता है और यहाँ पे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाथों हाथ ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा करेस्पोंडिंग एसिड में ठीक है ये बात आपको समझ आ रही है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है देखो बहुत बार क्या होता है ना मानो अगर यहाँ पे आपके पास मिथेनॉल है अगर आपने इसके ऊपर के एम नो डाला तो यह कन्वर्ट हो जाएगा किस में यह कन्वर्ट हो जाएगा मिथेनॉल में मतलब कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका कॉमन नेम फॉर्म भी है ठीक है उसके बाद ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा किस में फॉरमिक एसिड में लेकिन ना यहाँ पर रुकता नहीं है ये ये ना इसको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देता है ठीक है क्योंकि होता क्या है ना ये जो हमारा केएनो फोर है इसको ऐसा देखने में लगता है क्या देखने में लगता है इस पोर्शन को देखने में ऐसे ऐसा लगता है कि एल हाइड है तो वापस इसको ऑक्सीडाइज करके ये वाले पोर्शन को एसिड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है जिस वजह से क्या होता है यहाँ भी ओ OH एच बना देता है और यहाँ भी ओ एच ये जो हमारे पास बना अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपके पास एच टू सी ओ थ्री है मतलब कि कार्बोनिक एसिड है जो कि अनस्टेबल होता है टूट जाता है आसानी से एच टू ओ में और सी ओ टू में तो आपको ये मेथनॉल वाला केस पता होना चाहिए ठीक है इसके अलावा देखो आपको मालूम ही है कि अगर आपके पास यहाँ पे टू डिग्री एल्कोहल हो अगर आप यहाँ पे डालोगे के फोर तो ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन में है ना लेकिन जो बात आपको नहीं मालूम है कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा एक्सट्रीम कंडीशन लो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सट्रीम कंडीशन लो तो यहाँ पे क्या होता है ना ये ना आपके कीटोन का भी क्लीवेज करा देता है कैसे देखो तो ये क्या करेगा ना यहां से कीटोन को क्लीव करा देगा क्लीव मतलब इस बॉन्ड को तोड़ देगा जब इस बॉन्ड को तोड़ेगा यहाँ पे दो कार्बन बचेंगे इसका एसिड बन जाएगा यहाँ पे एक कार्बन बचेगा इसका भी एसिड बन जाएगा ठीक है तो इस वजह से क्या होगा देखो यहाँ पे आपके पास दो कार्बन का एसिड आ जाएगा और यहां पे आपके पास एक कार्बन का एसिड आ जाएगा लेकिन मैंने आपको बोला ये जो आपके एक कार्बन का एसिड होता है इसको के एम फर्दर कन्वर्ट कर देता है एच और सी में ठीक है लेकिन ये यहां पर ऐसे ही हम लोग को ऑप्टेन हो जाएगा एसिटिक एसिड ठीक है ये बात आपको समझ आनी चाहिए अब देखो इससे आगे की बात करते हैं इससे आगे हमें क्या बात करनी है एक देखो हमारे पास ना काफ़ी इम्पोर्टेंट केस होता है उस पर बाद में आएंगे चलो देखो पहले ना एल्किन के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं ठीक है सुनो अब देखो अगर हम यहाँ पे एल्कीन के ऊपर बात करें ना तो होता क्या है मैं समझाता हूँ आपको मानो यहाँ पे आपके पास एक एल्कीन है ठीक है अगर आप इसके ऊपर डालते हो हॉट के एमनो फोर तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट काम करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव क्लीवेज और इस कॉन्सेप्ट के वजह से क्या होता है इस कॉन्सेप्ट के वजह से यहाँ पे जो पाए बॉन्ड आपको दिख रहा है या जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है उसका क्लीवेज हो जाता है और यहाँ पे क्या होता है लेफ्ट वाले पोर्शन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा राइट वाले पोर्शन का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा लेफ्ट वाला पोर्शन भी आपका डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद वन डिग्री बनेगा राइट वाला पोर्शन भी आपका डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद वन डिग्री बनेगा दोनों का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा एसिड बन जाएगा तो यहां पे आपके पास दो यूनिट आ जाएगा एसिटिक एसिड का ठीक है जैसे कि मानो अगर कोई अनसेमेटिकल केस हो अगर आप यहाँ पे डालते हो हॉट के यहां फोर यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट काम करेगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का यहाँ पे क्या होगा वापस डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा ये वाले पोर्शन का ऑक्सीडेशन उनसे क्या बनेगा क्योंकि देखो जैसे ही आप डबल बॉन्ड को तोड़ोगे ये वाला पोर्शन वन डिग्री बन जाएगा इसका ऑक्सीडेशन उनसे एसिड बनेगा ये वाला पोर्शन टू डिग्री बन जाएगा इसका ऑक्सीडेशन होने से कीटोन बनेगा तो आपके पास यहां पे लेफ्ट वाले पोर्शन से एसेड आएगा और राइट right वाले पोर्शन से कीटोन आएगा ठीक है बात समझ आ गई आपको ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है लेकिन देखो ना एल्कीन के ऊपर यहाँ पे एक और केस भी होता है इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोक्सिलेशन ठीक है अब देखो हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ ना अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊँ हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब हुआ कि आप पाए बॉन्ड को हटाओगे और दो ओ एच OH लगाओगे ठीक है तो मैं क्या कह रहा हूँ देखो अगर आपके पास यहाँ पे एल्कीन है तो ना यहाँ पे बहुत बार हाइड्रोक्सिलेशन भी परफॉर्म हो जाता है अब ये हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब होता है पाए पॉन्ट को हटाओ और दोनों कार्बन पे एक एक ओएच लगाओ तो यहाँ पे आपके पास एल्कीन था और देखो क्योंकि आपके दोनों ओएच एडजेसेंट पोजीशन पे है इसे बोलेंगे वेसेनल तो इसे बोलेंगे वेसिनल डायोल ठीक है लेकिन अब एक चीज़ देखो यहाँ पे वापस दो केस होते हैं क्या मैं बता रहा हूँ एक केस ये हो सकता है कि यहाँ पे इसका हाइड्रोक्सिलेशन हो तो ये दोनों ओएच आपके सेम साइड लगे या दोनों वेच पे लगे या दोनों डैश पे लगे और एक केस हो सकता है इसका यहां पे हाइड्रोक्सीलेशन हो तो एक ओएच वेच, वेच पे और एक ओएच डैश पे देखो फर्स्ट वाले केस का नाम हो जाएगा सिन हाइड्रोक्सीलेशन क्योंकि यहां पे दोनों ओएच सिन फैशन में लग रहा है मतलब कि सेम साइड लग रहा है और सेकंड वाले का नाम हो जाएगा एंटी हाइड्रोक्सिलेशन ठीक है ये क्या बना है आपके पास एल डायोल देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे सिन हाइड्रोक्सीलेशन के बारे में तो यहाँ पे क्या होगा देखो हमारे पास एल्किन होगा हम यहाँ पे हाइड्रोक्सीलेशन कराएंगे इसका मतलब क्या है पाई बॉन्ड को हटाओ और दोनों ओएच को सेम फैशन लगाओ मतलब कि सेम साइड ये हो गया सिन हाइड्रोक्सी एक चीज देखो यहाँ पे आप रिएजेंट के तौर पे किसका इस्तेमाल करोगे सुनो एक यहां पे इस्तेमाल करोगे ऑसमियम टेट्राऑक्साइड साथ में सोडियम बायसल्फाइड का दूसरा आप यहां पे इस्तेमाल करोगे के एम फोर का ठीक है लेकिन यहां पे के एमनोफोर जनरली आप डायल्यूट इस्तेमाल करते हो तो थोड़ा सा तो कभी भी आपके पास डाइल्यूट के एम नो हो, कॉन्सेप्ट होगा सेन हाइड्रोक्सीलेशन का कभी भी आपके पास हॉट के एमनो तो इसी के ऊपर अगर यहाँ पे आपको दिख जाए हॉट के एमनो फोर है ना रुको यहां पे येलो कलर का इस्तेमाल करते हैं अगर यहां पे आपको दिख जाए हॉट के एमनो फोर ठीक है तो कॉन्सेप्ट हो जाएगा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का फिर यहाँ पे क्या होगा देखो डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा और दोनों पार्ट वन डिग्री बनेंगे तो दोनों पार्ट का अपना अपना एसिड बन जाएगा यहां बनेगा डाए एसिड अभी देखो यहां पे ना एक और थीम के ऊपर बात कर लेते हैं थीम का नाम है एंटी एंटीहाइड्रोक्सीलेशन अब देखो एंटी एंटीहाइड्रोक्सीलेशन में हमारे पास क्या होता है एल्किन है इसके ऊपर अगर हम एंटी हाइड्रोक्सीलेशन कराएंगे पाई बॉन्ड हटेगा और दोनों ओएच अपोजिट साइड आएंगे एक वेज पे आएगा दूसरा डैश पे आएगा ठीक है इसका नाम होता है एंटी हाइड्रोक्सीलेशन यहाँ पे देखो इस्तेमाल किसका करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कोई भी परॉक्सी एसिड का जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये ठीक है साथ में हल्का सा वाटर भी होता है जनरली या फिर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो एम सी पी बी ए का ये भी सेम ही काम करा देता है ठीक है ऊपर वाले का नाम होता है पर ऑक्सी एसिड है ना और नीचे वाले का नाम क्या होगा मेटाग्लोरो पर एसिड है ना तो ये दोनों यहाँ पे आपके पास एंटी हाइड्रोक्सीलेशन करा देगा इसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है आगे देखो हम यहाँ पे के एम के रोल के बारे में बात कर रहे थे एक चीज़ देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है यार हमने क्या देखा ना कि अगर हमारे पास बेंजीन रिंग के ऊपर मिथाइल ग्रुप था इसका मतलब टोलोिन था हमने यहाँ पर क्या किया हमने यहाँ पर के एम डाला तो हमारे पास प्रोडक्ट में बेंजोइक एसिड मिला ठीक है हमारे पास यहाँ पे आइजो ग्रुप था बेंजीन के ऊपर हमने डाला के फोर हमें यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिला लेकिन हमारे पास यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप आ गया हमने यहाँ पे के एम नो डाला तो हमें यहाँ पे नो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन नहीं मिला इसका मतलब क्या हुआ इन तीनों रिएक्शन से आपको कंक्लूजन क्या समझ आया बहुत सिंपल सा कंक्लूजन है सुनो अगर आपके पास बेंजीन रिंग है उसमें जितना मर्जी लंबा कार्बन चेनों फ़र्क नहीं पड़ता प्रोडक्ट आपका बेंजोइक एसिड बनेगा प्रोवाइडेड जो कार्बन आपका डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से उसके पास एटलीस्ट वन हाइड्रोजन हो ये आपको अपने दिमाग में रखना है ठीक है और देखो इसमें एक और स्पेशल केस आता है नॉर्मल देखो आपके एल्केन्स का ऑक्सीडेशन होता नहीं है लेकिन देखो एक ना हमारे पास फेमस ऑक्सीडेशन होता है इसका इसका नाम होता है आइस है ना तो इसका नाम हमारे पास आइजो होता है इसका देखो ऑक्सीडेशन अगर हम कराए ना तो एनसीआरटी में लिखा है आपको पता होना चाहिए ये क्या करेगा इस वाले हाइड्रोजन को ओ में कन्वर्ट कर देगा मतलब कि टर्शरी अल्कोहल बना देगा ठीक है ये के एम नो फोर के कुछ कॉमन यूज है जो आपको पता होने चाहिए एग्जाम में बहुत फ्रीकेंटली सबके सब दिखते हैं ऐसे ही देखो यहाँ पे आपके पास एक और फेमस रिएजेंट है इसका नाम होता है कॉपर तीन सौ डिग्री सी है ना तो एक और आपके पास फेमस रिएजेंट है इसका नाम होता है कॉपर तीन सौ डिग्री सी इसका देखो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है ठीक है देखो ये भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैटेगरी में आएगा तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ठीक है यह भी आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कैटेगरी में आएगा अगर आपके पास यहाँ पे वन डिग्री एल्कोहल हुआ उसके ऊपर अगर आप डालो कॉपर तीन सौ ये कन्वर्ट कर देगा एल में अगर आपके पास यहाँ पे टू डिग्री अल्कोहल हुआ आपने डाला कॉपर तीन सौ ये कन्वर्ट कर देगा कीटोन में अगर यहाँ पे आपके पास थ्री डिग्री अल्कोहल हुआ आपने यहाँ पे कॉपर तीन सौ डाला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखो बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे क्या करते थे बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कोई रिएक्शन शो नहीं करते थे देखो ऐसा नहीं कि कॉपर तीन सौ कुछ अलग है जब बाकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थ्री डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करा पाते तो कॉपर तीन सौ भी थ्री डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं करा पाता लेकिन उल्टा यहाँ पे होता है क्या है ना ये इसका एल्कीन बना देगा ये क्या करेगा इसका एल्कीन बना देगा एक तरह से कह सकते हो डिहाइड्रेशन हो जाएगा इस बात का आपको ध्यान रखना ये काफी इंपॉर्टेंट थीम है ठीक है इसके अलावा देखो बहुत बार आपको थीम देखने को मिलता है एच आई ओ फोर का इसका थीम होता है पर आयोडिक ऑक्सीडेशन का इसका मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट बता रहा हूँ पहले ही आपको बहुत देखने को मिलता था आजकल काफ़ी कम देखने को मिलता है फिर भी किस्मत खराब हो देखने को मिल सकता है देखो यहाँ पे क्या होता है कुछ नहीं मैं आपको समझाता हूँ जनरली इसका थीम आपको कार्बोहाइड्रेट चैप्टर के साथ मिक्स होकर मिलता है ना जैसे कि मानो आपके पास ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर है फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे इसके ऊपर एच आई ओ फो डाला और आपसे पूछा है आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा मतलब hio4 का मतलब होता है पर आयोडिक ऑक्सीडेशन इसके प्रोडक्ट बनाने का शॉर्टकट क्या आपको सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज कराना है आपको सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्लीवेज कराना है आपको सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्लीवेज कराना है ठीक है तो यहां पे क्या होगा देखो इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा जब भी आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का क्लीवेज कराओ तो ऊपर वाले, वाले, वाले को एक ओ देना है नीचे वाले को एक ओएस देना है ऊपर वाले को एक ओएस देना, देना है नीचे वाले को एक ओएस देना है ऊपर वाले को एक ओएस देना है नीचे वाले को एक ओएस देना है देखो ऐसा करने से आपके पास क्या बना अगर आप सबसे टॉप वाले पोर्शन को देखोगे तो यहाँ बन जाएगा एच सी डबल बॉन्डो और ओ यह आपका फॉर्मिक एसिड बनेगा पहला प्रोडक्ट ठीक है उसके बाद देखो अगर आप ये सेकेंड वाले कार्बन को देखोगे क्या आया सी एच टू ओ एच और ओ OH एच है ना अब आपको पता है कि एक कार्बन पे दो एचंस्टेबल है, है पानी को बाहर निकालोगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा सी एच टू ओ इसका मतलब क्या होता है अगर आप ध्यान से देखोगे इसका मतलब होता है फॉर्मल्डिहाइड सिमिलरली अगर आप थर्ड कार्बन को देखोगे एकदम रिपीट है सेम केस है सी एच टू दो कार्बन पे दो एच एबल पानी बाहर करोगे आपके पास बनेगा सीएच टू ओ जिसको अगर आप खोल के लिखोगे तो पाओगे ये आपका फॉर्मल है और लास्ट वाले भी एकदम सेम ही है ना तो यहाँ से भी आपके पास सेम ही चीज बनेगा सही है तो फाइनली प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पे क्या बना प्रोडक्ट में आपके पास यहाँ पे जगह नहीं यहाँ लिख देता हूँ या यह यहाँ लिख दूँ चलो यहाँ लिखते हैं एक मोल बना फॉर्मिक एसिड तीन मोल बना फॉरमलडी ठीक है ऐसे आप यहाँ पे पर आयोटिक ऑक्सीडेशन का केस आराम से हैंडल कर सकते हो ठीक है तो जो भी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बेसिक थीम थे जो कि आपको पता होने चाहिए थे जो कि इंपॉर्टेंट थे मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए ठीक है तो आज के वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं मेरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नहीं तो आप यूट्यूब पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर जाके लिखना ईजी केमिस्ट्री जे नीट आपको मेरा चैनल देखने को मिल जाएगा हम अपने चैनल के ऊपर टेन के सब्सक्राइबर्स हिट करने की कोशिश कर रहे हैं मुझे उम्मीद है आप जल्दी करा दोगे आज के वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए थैंक यू